बढ़िया से पोछा लगाना है, लगाना है, मालिक का घर चमकाना है। ए छोटू। जी मालिक। क्या हुआ मालिक? देखो तो गेट पे कौन आया है। मालिक तुसी आ गया। पापा मैं आ गई। मेरी बेटी शहर से पढ़ाई करके आ गई। लव यू मामा। कैसे हैं आप? ठीक हो। और बेटी तुम्हारा पढ़ाई कैसा रहा? बहुत अच्छा पापा, और मैंने बहुत सारे फ्रेंड भी बना लिए। और एंड की हुआ फ्रेंड योर इधर योर पापा छोड़ दीजिए, बच्चा है। टेंपू दे दे। चलो बेटी। घर में निकलिए साहब। छोटो देखो तो पेट में कौन खट्टा रहा है। केहू है घर में? खोलिए तनी। क्या बात है रे, काहे चिल्ला रहे हैं? हे ब्रो, हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, हमको यहाँ पे नौकरी मिल सकता है क्या? टांग में जूता, हाथ में घड़ी, ढूंढ रहा है नौकरी। नितेश अरे भाई साहब, वो क्या बात है ना, हम ठहरे मेहनती लड़का, मेहनत करके पैसा कमा के अपनी मेहनत के पैसा से जूता लिए, घर ही लिए। तुम क्या चाहता, नौकर लोग जूता घर ही नहीं पहन सकता है क्या? यहाँ नौकर का जरूरी ना है, जाओ यहाँ से। एक काम करो, तुम अपने मालिक को बुलाओ। हम ही है घर का मालिक। तो ये मालिक देखने से तो नौकर लग रहे हो। हाँ नौकर है, क्या हुआ, जाओ यहाँ से। नौकर है? तू मालिक का है बन, अपने मालिक को बुलाओ। मालिक जल्दी जल्दी, मालिक इस सलाम को मार दिया। क्या हो गया बाबूजी? बाबूजी हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, प्लीज हमको नौकरी पर रख लीजिए। हमको पता है आप हमको नौकरी पर जरूर रखिएगा, आप बहुत दिलदार व्यक्ति हैं, हमको पता है आप हमको मना नहीं कीजिएगा, प्लीज बाबूजी प्लीज। अरे हमारे पास ऑलरेडी एगो नौकर आइए है, तुमको कहाँ से रखेंगे अब? हाँ मालिक हम आइए है, दूसरा की क्या जरूरी है। ठीक है ना बाबूजी, अगर आप अपने यहाँ हमको नौकरी तो नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखो, कम से कम हमको खाना खिलाते से, बहुत जोर से भूख लगा। हाँ बाबूजी खाना खिला दीजिए, बेचारा बहुत भूखा लग रहा है। ठीक है बेटी, ले चलो खाना खिला दो। ठीक है पापा। थैंक यू बाबूजी। चलो थैंक यू। सब खा लिए। ठीक है बेटा,
खा लिया तो अब जाओ। नहीं माली, हम आपका नमक खाए हैं और हम नमक खा के हम नमक हराम नहीं बन सकते हैं। हम इस नमक का कर्जा जरूर उतारेंगे। हम आपके यहाँ फ्री में काम करेंगे, फ्री में आपका नौकरी करेंगे। अरे बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे पास ऑलरेडी एक नौकर है, तुमको नहीं रख सकते। नहीं नहीं मालिक, आप नमक हराम नहीं बन सकते हैं। आपका नमक खा के प्लीज आपको नौकरी पर रख लीजिए। प्लीज इस नमक का कर्जा उतारने दीजिए हमको। ठीक है पापा, बेचारा कितना रिक्वेस्ट कर रहा है और ये बोल रहा है कि फ्री में काम करेंगे, तो रख लीजिए ना। ठीक है बेटी, तुम कह रही हो तो रख लेते हैं इनको। जब तुम यहाँ पर काम करना चाहते हो, हमारा बात मानना पड़ेगा। ओके ब्रो। भाई पकड़ो, ये जितना कचरा है साफटा का चिकन से साफ करना पड़ेगा। भाई टेबल पर जितना कचरा है पूरा बढ़िया से साफ करो। ओके ओके, मैं आ रही हूँ। पूरा चिकन से साफ कर दो पूरा। मेहनत कह के केतनो हरूपिया कमाईगा, अचला के सूत को ता हिन बबुआ पाईबा, सपना न होई कब पूरा ए बबुआ, मैं भी न जिनोगी अधूरा हो आवाज कितना करता है। क्या गिराया? क्या गिरा? मैम ग्लास गिर गया। तुम नौकर लोग ना ऐसे नहीं समझोगे, अभी मार लगेगा ना तो अपने आप समझ आएगा। गिलास गिराने का पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा। चलो हाथ आगे करो जल्दी। जनाब चौक गए ना आप? आप यही सोच रहे होंगे हमर मालिक की बेटी हमको किस क्यों की। अब ये चीज जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगी। एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, वो मिल नहीं पाएगा। पता नहीं मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। कल से तो कॉलेज भी बंद हो रहा है। ऐसे मेरे पास एक आइडिया है, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ सकते हैं। वो कैसे? देखो तुम्हारा बाप बहुत अमीर है। हाँ। वो नौकर भी रखता है। हाँ रखता है। तो क्यों ना हम नौकर बन के तुम्हारे यहाँ आए। अरे वाह, क्या आइडिया लगाए हो, ये हो सकता है।
एक बात जानता है क्या? जब से अपने गांव में रोड बना है तब से बहुत ही गाड़ी चलने लगा है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हमको पता ही नहीं है। हम कुछ विदेश में रहते हैं, हम भी यही गांव में पैदा हुए हैं। ठीक है, थोड़ा खाने लगाइए। ठीक है, ठीक है। अरे दूर छड़ा थोड़ी कौन आ रहा है रे? चलो देखते हैं कौन है। चलो देखो ना कैसे चिपका हुआ है। सही बात है, रुक तो टोकते हैं। रुको रुको रुको, तुम तो भानु प्रताप की बेटी हो ना? जी चाचा। साथ में छोड़ा कौन है? ये तो हमारे भैया है। हम तो सुने हैं भानु प्रताप की एक जगह बेटी है, उसको बेटा नहीं है, लड़का कौन है? जी, मेरे पापा की पत्नी के बहन का हस्बैंड का बेटा है ये। ठीक है जाओ। जी ट्यूशन। देखो वो, देखो वही है मेरा घर। अरे वाह, का शानदार घर बनाया है हमारे ससुर जी। रहेगा नहीं, इस इलाके में सबसे ज्यादा अमीर है मेरे पापा। मतलब हमारे ससुर जी बहुत ही अमीर है। अच्छा ठीक है, पहले मैं अंदर जाती हूँ, उसके बाद तुम आना। अरे इन तो लेके जाओ। अच्छा हाँ। तो समझ गए आप लोग, ये है मेरी गर्लफ्रेंड और ये है मेरा नौकर। नौकर? हाँ नौकर। और जो मैं बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। चलो मुझे किस करो। जो कुम मैडम जी। मालिक चले तोड़िए, मालिक चले तोड़िए। मालिक मालिक जुलूम हो गया। कहाँ जुलूम हो गया, क्या जुलूम हो गया? What? अरे कुछ बोलेगा। आपकी बेटी नौकर को चुमा दे रही थी। मालिक मार के आ रहे हैं, जुड़ना बोल रहे हैं। चलिए अपने आँख से देख लीजिएगा। मालिक 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 अरे साफ करो, साइड देख, बैग के पीछे क्या हुआ पापा? मालिक अभी तू उठा किस कर रहा था? What? बेटी क्या बोल रहा है? बदतमीज, क्या बोल रहा है तू? साले तुम कौन होते हो मेरे चरित्र पे सवाल उठाने वाले? मालिक इस साला शुरू से हमसे जलता है, ये नहीं चाहता है कि हम घर में नौकर बन के रहे। हाँ बाबा ये ना इससे बहुत जलता है। नहीं मालिक हम सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये झूठ भी कुछ कुछ कर रहा था। What? हम जानते हैं तुम सुरवे सिंह से जलते हो। चलो किस कर रहा है मालिक? हम अपना आँख से देखे, इधर उल्टा ये कर रहा था। मालिक ये साला पक्का प्लान
साला तू पगला गया है, हमरा बेटी पे गलत इल्जाम लग रहा है। कायल और प्यार के बीच में दीवार बन रहा है। देखो बाबू, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम इनका बॉयफ्रेंड है। हम दोनों कॉलेज से साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों को एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए हम इनके यहाँ आए हैं, नौकर बनने का एक्टिंग कर रहे हैं। और हमारे बारे में किसी को बोला तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा भलाई इसी में है, तुम अपना मुंह बंद रखना। क्योंकि देखो बाबू, यह मालिक की बेटी, ये जो कहेगी वही होगा, समझा? ठीक है तो डार्लिंग चलो। तुम दोनों हमारे मालिक को उल्लू बना के रखे हो, इस सच्चाई से पर्दा उठा कर रखेंगे। जब प्यार किया तो डरना क्या, और प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आहे भरना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या, और प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आहे भरना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या। तुम्हारा घर को बहुत बढ़िया से फ्रेश कर रहे हैं। अच्छा, मेरा मूड फ्रेश करने के बजाय तुम घर फ्रेश कर रहे हो। चलो अब मुझे प्यार करो। ओके महारानी जी, अब की बात तो जरूर मालिक को दिखा देंगे। अरे मान ले ले बिया हमके पोती, पगली दिखावे अगर पोती। मालिक, ओ मालिक। जल्दी आइए मालिक। क्या हुआ पापा? क्या हुआ रे? मालिक, ये दोनों फिर से पकड़ा पकड़ी कर रहा था। नहीं मालिक, मैम सही में बोली थी हमको थोड़ा बिस्तर लगा देने के लिए, हम बिस्तर लगा दे रहे थे। आज तो तेरा खैर नहीं है, तुझे तो मैं आज छोड़ दूँ। पापा ये सब क्या चल रहा है घर में? बेचारे कितने अच्छे इंसान है, फिर भी इल्जाम उसी पे लगाया जा रहा है। आपने इसको घर से निकालिए। मालिक, हम जैसे शरीफ इंसान पे इस साला कलवा इल्जाम लगा रहा है। इस साला चाहता नहीं है कि हम इस घर में नौकर बन के रहे। अच्छा चुप हो जाओ, हम जानते हैं जब से यह आया ना तबे से तू जल रहा है। ओ मालिक, पनिशमेंट के तौर पे तुमको घर का सारा काम करना पड़ेगा। बेटा तुमको कोनो काम नहीं करना है, जो भी घर का काम होगा ई काम करेगा। जो आज्ञा मालिक। जल्दी पोछा लगाओ। बेटा मिजाज ठंडा भइल कि ना? चलो मालिक को सच्चा बात बताते हैं तो मालिक हमरे मारते हैं। आ मालिक को बतावे नहीं करेंगे, हमरा क्या जाता है, मालिक का घर बिगड़ रहा है। पापा मुझे घूमने जाना है अपने खेतों में। अच्छा ठीक है बेटी। छोटू जी मालिक, इधर आओ। जी मालिक। मेरी बेटी को अपना सारा खेत घुमा के ले आओ। पापा इनको भी साथ में ले लेते हैं। ठीक है, इनको भी साथ में ले लो।
मालिक हम आइए, इसका क्या जरूरी है, हम अकेले संभाल लेंगे। चलिए दीदी। हम जानते हैं साला, तू सुनवे से इनसे चलते हो। जाओ जो बोले ऐसो करो। जाओ बेटी, इनको भी साथ में ले लो। ठीक है बाबा। ये जितना खेत देख रहे हैं सब तो हमारे मालिक का है। आइए, इसमें अब पिछले बार 50 मन धान उगाए थे, अब की बार उम्मीद है 100 मन धान उगेगा। देखिए जितना खेत है सब तो हमारे मालिक का है। देखिए ना, देखिए रे साला, ये देखना तो क्या देखो ना, हमारे मालिक का बेटा को टुकुर टुकुर का है देख रहा है। रे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये हमको देखे या खेत को? हा? तुम क्यों जल रहे हो? सुनो मुझे किस करो। भगवान का शुक्र है मकई खेत में है, वरना आप लोग कुछ से कुछ कर लेते। चलिए घर चलिए, हम आप दोनों को देख कर पागल हो जाएंगे। चलिए। बेटी क्या हुआ पापा, घूम के आ गए? हाँ पापा। अब बेटी आई थिंक लड़का वाला देखने आ रहे हैं। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और गाइस ये वीडियो का पार्ट वन है, इसका पार्ट टू अभी बाकी है, नेक्स्ट वीक हम पार्ट टू भी लेके आ रहे हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, फिर मिलते हैं इसका पार्ट टू में। तो गाइस बाय, लव यू।